सभी को प्यार भरा नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां हम उन उल्लेखनीय घटनाओं और उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाले हैं जिन्होंने भारत के आधुनिक इतिहास को आकार देने का काम किया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम राम मंदिर के विशाल निर्माण और इस ऐतिहासिक प्रयास में प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार द्वारा निभाई गई असाधारण भूमिका का पता लगाएंगे। दोस्तों, हमसे जुड़े इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से हम राम मंदिर की असाधारण यात्रा और लाखों भारतीयों की आकांक्षाओं के प्रति मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करने वाले हैं। दोस्तों, तो आइए जानें लाखों भारतीयों की आकांक्षाओं के प्रति मोदी सरकार की पहली अटूट प्रतिबद्धता। तो पहली अटूट प्रतिबद्धता है अयोध्या फैसला। राम मंदिर के महत्व को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले अयोध्या फैसले पर दोबारा गौर करना होगा। अयोध्या भूमि विवाद पर दशकों से चली आ रही कानूनी लड़ाई आखिरकार 9 नवंबर 2019 को अपने निष्कर्ष पर पहुंची, जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना सर्वसम्मत फैसला सुनाया था। फैसले में भगवान राम के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को मान्यता दी गई और फैसला सुनाया गया कि विवादित भूमि राम मंदिर के निर्माण के लिए हिंदू पक्षों को सौंप दिया जाए। दूसरी अटूट प्रतिबद्धता है मोदी सरकार की प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने राम मंदिर का निर्माण सुनिश्चित करते लाखों भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। दोस्तों, न्याय, धार्मिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए मोदी सरकार का समर्पण अयोध्या विवाद को सुलझाने और भव्य मंदिर के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने में सहायक बना। दोस्तों, तीसरी अटूट प्रतिबद्धता है भूमि पूजन समारोह। 5 अगस्त 2020 को एक ऐतिहासिक क्षण सामने आया, जब माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन समारोह के दौरान राम मंदिर की आधारशिला रखी। इस समारोह ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को भक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना से एकजुट किया। दोस्तों, इस अवसर पर श्रद्धेय आध्यात्मिक नेता और राजनीतिक गणमान्य व्यक्तियों और लाखों भक्तों की उपस्थिति देखी गई थी। दोस्तों, जिससे यह वास्तव में एक भव्य और समावेशी कार्यक्रम बना था। दोस्तों, चौथी अटूट प्रतिबद्धता है वास्तुशिल्प चमत्कार और प्रतीकात्मक डिजाइन। राम मंदिर का डिजाइन और वास्तुकला विस्मयकारी है। दोस्तों, जिसमें पारंपरिक भारतीय शिल्प कौशल के तत्वों को आधुनिक तकनीकों के साथ जोड़ा गया।
मंदिर में जटिल नक्काशी, राजसी गुम्मत और अलंकृत खंभे लगाए गए, जो भारतीय मंदिर वास्तुकला की भव्यता का उदाहरण है। दोस्तों, यह शानदार संरचना भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ी है और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में कार्य कर रही है, जिससे सभी भारतीयों में एक गर्व की भावना पैदा हुई है। दोस्तों, पांचवी और आखिरी अटूट प्रतिबद्धता, मोदी सरकार की विकास पहल, पांचवी और आखिरी है मोदी सरकार की विकास पहल। राम मंदिर के निर्माण से परे मोदी सरकार ने लगातार देश भर में समग्र विकास और प्रगति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से मोदी सरकार अधिक विकासों को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और सभी नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक रही है। दोस्तों, तो दोस्तों ये थी राम मंदिर और लाखों भारतीयों की आकांक्षाओं के प्रति मोदी सरकार की अटूट प्रतिबद्धताएं। आइए अब हम निष्कर्ष जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। यह न्याय, धार्मिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता की विजय के प्रमाण के रूप में खड़ा है। मंदिर की भव्यता, विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता के साथ एक उभरते भारत की आकांक्षाओं को दर्शाती है। जैसे ही हम इस वीडियो को समाप्त करने जा रहे हैं, आइए हम इस असाधारण उपलब्धि का, मोदी सरकार की इस असाधारण उपलब्धि का जश्न मनाएं और हमारे महान राष्ट्र के भाग्य को आकार देने में राम मंदिर और आदरणीय मोदी सरकार के उल्लेखनीय योगदान को स्वीकार करें। दोस्तों, आज का ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का मनपूर्वक धन्यवाद और अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए हमारे इस वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।